हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस जो लेक्चर है गेम डेवलपमेंट क्लास में, वो है लिस्ट के ऊपर। लिस्ट क्या है और इसका यूज़ क्या हो सकता है, इसमें डिस्कशन करेंगे हम आज। तो हमने पहले अरे तो पढ़ी हुई है सबने। अरे का जैसे होता है, हमें ये पता है कि अरे का एक साइज़ होता है और एक उसका इंडेक्स होता है, ठीक है। जैसे भी हम ये एक अरे की मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अरे में क्या होता था, सबसे पहले हमें अरे इनिशियलाइज करनी पड़ती थी। इनिशियलाइज करने का क्या तरीका था उसमें, कि आप कोई भी, जैसे मैंने टीचर की रे करनी है, उसको इनिशियलाइज कराने का ये था कि पहले डाटा टाइप जैसे इंटीजर, फिर ब्रेसिस और फिर आगे उसका नेम, जिस तरह मैंने यहाँ रे दे दिया, ठीक है। फिर उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता था, इसको रे को डिक्लेयर को अगर रे को करना था, और करने का तरीका ये है, जैसे मैंने अरे ए आर आर की रे है इक्वल्स टू न्यू जोन सी डाटा टाइप की रे है इंटीजर, आगे साइज डिफाइन करना पड़ता था। जैसे मैंने 5 का साइज डिफाइन यहाँ कर दिया। अगर 5 का साइज डिफाइन किया तो इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। इसका साइज डिफाइन हो जाएगा। ये इनिशियलाइज था, ये इसको डिक्लेयर करने का तरीका था। बाद में अरे के अंदर अगर हमने जाना हो तो उसका तरीका था अरे उसका उसका स्पेसिफिक इंडेक्स, जिधर हमने कोई वैल्यू स्टोर करानी है, 1 अरे ऑफ 2 के अंदर मैं कराना चाहता हूँ 6, 4 कराना चाहता हूँ, तो ये इस तरह मैं वैल्यू स्टोर कर लेता था, ठीक है। फिर हमने अरे का देखा था एक अरे का एक और हमने ये देखा था कि अरे का अगर साइज कट करना हो, अरे डॉट लेंथ, अरे डॉट लेंथ के अंदर उसका साइज आ जाता था जो सा ये वाला होता था, जो सा ये वाला साइज होता था जो हमने साइज डिक्लेयर यहाँ किया होता था, ठीक है। और अगर हमने अरे के अंदर पूरी अरे के अंदर जाना हो, एक्सेस करनी हो, तो उसको हम लूप से करते थे, उसको हम लूप को चलाते थे 0 से लेके जितना अरे का साइज है, ए आर आर डॉट लेंथ, ठीक है, और एस प्लस प्लस। तो अरे ऑफ एस हमें अगर प्रिंट कराऊँ तो इसमें अरे ऑफ एस हमें प्रिंट हो जाता था, ठीक है। तो अच्छा, अब हमें ये दो चीज़ें तो पता चल गई, एक तो अरे को हमें इनिशियलाइज कराना पड़ता है, फिर उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका साइज डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अरे डॉट लेंथ में उसका साइज आ जाता है, कितना उसका साइज है, अगर वो 5 की अरे है तो ये 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अरे का जो अगर हमने उसका एक्सेस करनी, उसकी मेमोरी को एक्सेस करना हो, तो अगर वो 5 की अरे है तो वो 0 से लेके 4 तक होगा। अगर मैं 5, 6, 7 ज़बरदस्ती एक्सेस करूँगा तो वो मुझे एरर जनरेट कर देगा ये। अच्छा, ये थी अरे, ये जो हमें इसका काफ़ी को पहले भी हमने ये इसमें प्रैक्टिस काफ़ी की है क्लासेस के अंदर। तो अब मैं इसको इसको कंपैरिजन करूँगा लिस्ट के साथ, क्या लिस्ट का फ़ायदा और क्या हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट का। लिस्ट ना, ये एक पहली का डाटा स्ट्रक्चर है जो यूनिटी में सी शार्प के अंदर पहले डिफाइन हुआ है। तो लिस्ट का, लिस्ट में फ़र्क क्या है, लिस्ट में एक तो अरे में हम लिस्ट होती है अरे की तरह ही है, लेकिन लिस्ट अरे में हम साइज डिफाइन करते ना, कि मेरी ये 5 की अरे है, ये 10 की अरे है, लिस्ट में हम साइज डिफाइन नहीं करते। लिस्ट का साइज इनफाइनाइट होता है, जितना उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जितनी आपकी मेमोरी उतना तक चलता है, तो लिस्ट का साइज जो है वो इनफाइनाइट है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब लिस्ट लिस्ट को किस तरह हम इनिशियलाइज करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज में आ जाते हैं। इनिशियलाइज लिस्ट को कैसे करते हैं, सिंपल, आपने एक लिस्ट का, इसका पैरामीटर है, ठीक है, लिस्ट, आगे डेटा टाइप आती है, ठीक है। इंटीजर की करनी है तो ये इंटीजर, जैसे कि मेरी अरे इंटीजर की थी ये वाली, तो मैंने इसको इंटीजर और आगे अरे का साइन देके दिया था और आगे नाम दिया था। लेकिन लिस्ट में डिफरेंट है इनिशियलाइज करने का, लिस्ट में आपको एक लिस्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है और इस ब्रेसिस के अंदर आपने बताना होता है कि मेरी कौन सी डाटा टाइप की लिस्ट है, ठीक है। तो मेरी इंटीजर डाटा टाइप की लिस्ट है, लिस्ट इंटीजर, आगे आप कोई भी नाम दे दो, जैसे नंबर्स की मैं लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। ये इनिशियलाइज करने का तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, इसमें डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, अरे में हमेशा क्या करते थे, डिक्लेयर करते वक्त हम कि अरे का एक तो साइज बताते थे, ठीक है ना, एक न्यू इंट करके या न्यू जो भी इसकी डाटा टाइप होती, जो भी डाटा टाइप होती थी उसको न्यू के साथ लिख के आगे साइज बता देते। लेकिन ये लिस्ट है, लिस्ट में साइज की जरूरत नहीं। तो लिस्ट में आपको सिंपली क्या करना होता है, नंबर्स जो आपका डाटा टाइप का नाम है इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, लिस्ट और कौन सी वाली लिस्ट है, ये इंटीजर की, ठीक है। इसे पता चल गया कि इसने ये नंबर्स की लिस्ट इनिशियलाइज हो गई है, एक नंबर्स की लिस्ट इंटीजर की इनिशियलाइज हुई है। डिक्लेयर उसको ये करने का तरीका है कि न्यू कीवर्ड और लिस्ट और इनिशियलाइज, जैसे हम सारी जगह वेक्टर 3 वगैरह में भी न्यू हम एक्सेस करते हैं उसको लगाने के लिए। अच्छा, फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर किसी लिस्ट को एक्सेस करना है वो आप उसकी तरह ही कर सकते हैं, जिस तरह आप अरे को करते हैं, नंबर्स ऑफ 0
आपके पास नंबर आ जाएगा, इसको इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करानी है या गेट करना है उसको सेम बाकी अरे की तरह तरीका है। अच्छा अरे डॉट लेंथ होती थी उस जब हम अरे का साइज गेट करना होता था, इसमें लिस्ट में हमें काउंट जो वेरिएबल है ना लेंथ की जगह काउंट होगा, जैसे ये नंबर्स की मेरी लिस्ट है डॉट काउंट, ठीक है ये मुझे साइज गेट कर देगा लिस्ट का, मेरा अब तक मेरी लिस्ट कितनी फिल हुई है, ठीक है क्योंकि इसमें तो फिक्स नंबर है नहीं, इसमें तो काउंट होगा, हो सकता है अभी 3 आया अभी कल को इसका साइज 5 हो जाए उसके बाद 15 हो जाए, तो ये इसका इसको करने का तरीका है लिस्ट को, ये इनिशियलाइज कराने का तरीका सिंपली लिस्ट और बेसिस के अंदर आपने जिसको जिस वेरिएबल जिस टाइप की आपने लिस्ट क्रिएट करनी है, इसमें इंटीजर की हुई है तो मैंने इंटीजर पेस्ट किया इसके अंदर लगाया हुआ है और आगे इसका नाम दे दिया नंबर्स की, मैंने एक लिस्ट बना ली। डिक्लेयर करने का सिंपल तरीका, आपने साइज कोई नहीं देना, आपने सिर्फ इक्वल्स टू न्यू लिस्ट और जो आपने जिसकी डाटा टाइप की लिस्ट बनाई है वो तरीका, अरे की तरह इसमें एक्सेस होगा ठीक है, और नंबर्स जो अरे और लेंथ की तरह था लिस्ट के अंदर नंबर्स जो काउंट इस्तेमाल होगा कि अब तक कितनी लिस्ट फिल हुई है, तो इसका मतलब लूप लगाने का तरीका क्या होगा इसमें, फॉर इंटीजर एस इक्वल्स टू 0 एस लेस देन नंबर्स डॉट काउंट और एस प्लस प्लस, बाकी आपने जो भी करना है उसको उसको मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक तो ये तरीका था, ठीक है अब ये जो ये गेट करने का तरीका तो इसमें यही है, ये गेट करने का तरीका अगर आपने स्पेसिफिक अरे नंबर्स का लिस्ट का स्पेसिफिक इंडेक्स को गेट करना हो, जैसे अगर मैंने इसका 0 वाले इंडेक्स को गेट करना है तो मैं इस तरह इसको गेट कर लूँगा, ठीक है। अच्छा लिस्ट में दो फंक्शंस और भी नए आते हैं जिसके ज़रिए आप बहुत आसान हो जाता है, एक है ऐड का फंक्शन, सिंपली जो आपकी लिस्ट है जैसे मेरी यहाँ नंबर्स की लिस्ट है डॉट ऐड और आप वेरिएबल दे दे 5, कोई भी वेरिएबल दे दे, मैंने यहाँ 5 दिया हुआ है, तो आपके इस लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली अगर आपकी लिस्ट यहाँ तक बढ़ी हुई है समझे 1 तक, ठीक है इसके अंदर यहाँ 7 पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली 2 के अंदर वो 9 रख देगा, आपको इंडेक्स का कुछ उसकी इंडेक्स लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हमें यहाँ लेने की जरूरत पड़ती थी ना कि अरे ऑफ 0 के अंदर ये स्टोर करे अरे ऑफ 2 के अंदर ये स्टोर करे, लिस्ट के अंदर ये नहीं है, लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट खाली है तो अगर मैं समझे लिस्ट के अंदर पहली पड़ा हुआ है 1, 2 पड़ा हुआ है, अब मैं 5 ऐड करता हूँ ऑटोमेटिकली ये यहाँ 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है ये मुझे लिस्ट को ऐड कर देगा, ठीक है हम सिंपली ऐड करके उस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है, ये बहुत अच्छा फीचर है, इसके जरिए आप सिंपली ऐड करना है, कोई आपको स्पेसिफिक इंडेक्स देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा इसमें एक लिस्ट में बहुत अच्छा एक और भी फंक्शन है जो अरे में नहीं है, हम लिस्ट के अंदर कोई वेरिएबल को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ये वाला जो 2 है ना ये लिस्ट के अंदर से डिलीट हो जाए, तो इसका सिंपल क्या तरीका है नंबर्स डॉट रिमूव, ठीक है आप रिमूव के अंदर 2 जो भी आपने वेरिएबल जो भी आपने कराना है उसको लिस्ट को डिलीट जिस डाटा को आप वो डाटा लिखते हैं, अगर आपका इंटीजर का डाटा तो आप इंटीजर का लिखेंगे, अगर आपका कोई और किस्म का डाटा जैसे वेक्टर 3 की लिस्ट होगी गेम ऑब्जेक्ट की लिस्ट होगी तो आपको यहाँ वो मेंशन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा ऑटोमेटिकली जहाँ भी लिस्ट के अंदर 2 पड़ा होगा ना वो रिमूव हो जाएगा, अगर ये यहाँ 2 पड़ा हुआ तो ये रिमूव हो जाएगा या ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है इनमें से कहीं जगह 2 पड़ा होगा वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा ऐड हो सकता है रिमूव हो सकता है और चेक भी कर सकते हैं कि मेरे जो है लिस्ट के अंदर डाटा पड़ा हुआ कि नहीं, तो मैं नंबर्स इसको चेक करने के लिए क्या है इज एग्जिस्ट करके एक फंक्शन है इसका इज एग्जिस्ट है या एग्जिस्ट अभी देख लेंगे हम, एग्जिस्ट के अंदर हम अगर मैं यहाँ 6 देखता हूँ लिखूंगा तो इसका मतलब डाटा टाइप जो आपकी होगी वो आपने देना होगा, तो अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो वो चेक करके बताएगा कि मेरी लिस्ट में क्या 6 अवेलेबल है कि नहीं, ये रिटर्न बूल में करता है ट्रू या फॉल्स इसका आपको रिटर्न होगा, ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो सही तरह पता चलेगा, अगर ये पड़ा होगा लिस्ट के अंदर तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं पड़ा होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, इस केस में अगर हमारी लिस्ट में 1, 2, 5, 2 पड़ा है तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है अगर इनके 6 होता तो फिर ये रिटर्न ट्रू करता, तो ये हम इसकी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। लिस्ट आप किसी की भी बना सकते हैं, यहाँ मैंने टीचर्स की बनाई हुई है, आप स्ट्रिंग गेम ऑब्जेक्ट्स वेक्टर 3 करेक्टर स्ट्रिंग फ्लोट वगैरह जिस मर्जी की आप बना सकते हैं, अब इन दोनों का आपको इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं चाहे अरे यूज़ करनी चाहे लिस्ट, या एक तरह के आपके लिस्ट के जरिए आपको बड़ा फायदा हो जाता है कि आपकी कंट्रोलिंग बहुत आसान हो जाती है कि आपको कोई इतना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ता, वो लिस्ट ने खुद संभालता है उसको, तो इसका मैं कोड करके देखते हैं, अगर समझे मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग की एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है तो सिंपली लिस्ट बनाने का क्या तरीका है लिस्ट, ठीक है आगे डेटा टाइप बतानी है स्ट्रिंग, ठीक है आगे मैं उसका नाम देना कि मेरी लिस्ट की क्या किसकी इसका नाम क्या होगा वेरिएबल का, मैंने नेम्स कर दिया, ठीक है नंबर पहला स्टेप हो गया डिक्लेयर का, ठीक है डिक्लेयर हो गया। अच्छा अब इसको इनिशियलाइज कैसे करूँगा,
लिस्ट, ओ सॉरी नेम्स इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की लिस्ट है तो ये ऑटोमेटिकली ये लिस्ट इनिशियलाइज हो जाएगी, सही है। अरे दो स्टेप हो गए। अच्छा अब हमने क्या करना है, सिंपली अगर मैंने लिस्ट के अंदर कोई चीज डालनी है, नेम्स डॉट ऐड, ठीक है, यहाँ मैं जवाब ऐड कर देता हूँ, ठीक है, नेम्स डॉट ऐड, यहाँ असद, नेम्स डॉट ऐड, यहाँ उमर, ठीक है, नेम्स, इसमें जितना मर्जी आप ऐड करें, इसमें तो वो कोई लिमिट ही नहीं है, डॉट ऐड इक्वल्स टू अजमल कर लेते हैं, ठीक है, ये काफ़ी नाम हो गए शायद, तो ये मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। अच्छा अब ये तो चीज़ें ऐड होगी, अब मैंने अगर इसको सारे लिस्ट को अपनी देखना है तो मैं डूप चला के चेक कर सकता हूँ, एफ इन एस लेस देन नेम्स डॉट काउंट, हमने काउंट का डिस्कशन कर लिए कि इसके अंदर टोटल जितनी लिस्ट के अंदर डाटा होगा वो आ जाएगा, हमारे केस में कितना काउंट होगा, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 4 मतलब 0 से 3 तक, ठीक है, तो अब यहाँ मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ, नेम्स ऑफ एस, ठीक है, तो अब मैं अगर इस ये सैम्पल स्क्रिप्ट लगा हुआ है मेरे ऊपर, इसको मैंने इसको इस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा के देख लेते हैं, इसको मैं प्ले कर लेता हूँ, ठीक है, ये सारे जवाद, असद, उमर और अजमल आ गए, ठीक है। अच्छा अब मैं इसमें ये तो मैंने ऐड कर लिए, ये मैंने प्रिंट कर लिए, अच्छा मैं यहाँ ना चेक करता हूँ अब कि मेरे इसके अंदर असद पड़ा हुआ है कि नहीं मेरी लिस्ट के अंदर, तो मैं देखूंगा नेम्स की जो मेरी लिस्ट है डॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट के अंदर अब मेरी स्ट्रिंग टाइप की वो है क्या कहते हैं लिस्ट, तो इधर मैं स्ट्रिंग ही लिख सकता हूँ, तो मैं चेक करना चाहता हूँ उमर है मेरे ये उमर मेरी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है नेम कि नहीं, ठीक है, या वो पता है ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है हमें, ठीक है, इसका एरर सही करें, ठीक है इसको, ठीक है। अच्छा वो एग्जिस्ट नहीं, उसका वेरिएबल उसका फंक्शन का नाम है कंटेन, तो मैं यही चेक करूँगा नेम्स डॉट कंटेन, ठीक है, कंटेन्स के अंदर अब मैंने चेक करना है कि मेरा इसमें मेरे ये जो है क्या कहते हैं मेरी जो लिस्ट है इसमें असद एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मैं ये मुझे बूल में रिटर्न करेगा, तो मैं इफ़ लगा सकता हूँ ना इसके साथ, अगर ये ट्रू हो तो प्रिंट कर दे एग्जिस्ट, ठीक है, अगर नहीं है तो प्रिंट कर दे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या हम इसको चेंज करके फाउंड कर लेते हैं और इसको चेंज करके नॉट फाउंड कर लेते हैं, ठीक है, अब इसको प्ले करके देखते हैं, ये हमारी लिस्ट है, ये इसका नाम प्रिंट हो गया, इसके बाद चेक करना है कि मेरे इस लिस्ट में असद एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम प्ले करके देखते हैं, ठीक है, वो उसने कह दिया फाउंड है, फाउंड इसका मतलब ये ट्रू हो गया कंटेन्स वाला, ठीक है। अच्छा अगर ये मैं कोई और नाम सर्च करता हूँ यहाँ कोई और, जैसे हम मात करके सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसको प्ले करता हूँ तो नॉट फाउंड, वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है नाम। अच्छा अब यहाँ मैं इसको दोबारा असर रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा हमने अब दो इसमें जो बेसिक थे वो दो तो पढ़ लिए, तीन हमने इसमें जो नई चीज़ें, एक तो ऐड, एक कंटेंस, सीधा सर्च करना पड़ता है, हमें लूप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना, वरना हमें अगर अरे के अंदर सर्च करना पड़ता था हमें तो एक हमें लूप लगाना पड़ता था और लूप के अंदर हर दफ़ा इफ लगा के चेक करनी थी, यहाँ सिंपली लिस्ट के अंदर कंटेंस का फंक्शन लगाया और चेक किया कि ये वाला नाम एग्जिस्ट करता है या ये वाला नंबर या ये वाला गेम ऑब्जेक्ट या ये वाला वेक्टर से एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता तो फॉल्स कर देगा, अगर करता तो ट्रू कर देगा। अच्छा तो अब मैंने लिस्ट के नेम्स को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे ये मैंने जवाद, असद, उमर और अजमल को ऐड किया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ ये नेम्स के अंदर ना जो डिलीट है ना रिमूव कर दे किसको, असद का नाम, जो असद नाम का कोई पड़ा हुआ है इसमें डाटा वो डिलीट कर दे, अगर नहीं पड़ा होगा तो नहीं डिलीट होगा, कुछ भी नहीं होगा, अगर पड़ा होगा वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। अब मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, ऐड किए हुए हैं और इसके बाद यहाँ मैंने रिमूव का फंक्शन यहाँ कॉल कर दिया, तो अब मुझे क्या मेरी लिस्ट में प्रिंट होगा और क्या मुझे असद कंटेन में क्या शो होता है ये देख लेते हैं, हम प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है।
ठीक है, जवाद उमर अजमल, इसका मतलब असद डिलीट हो गया प्रिंट होने से पहले, और क्या असद फाउंड हुआ कि नहीं, और नॉट फाउंड, ठीक है, तो असद भी नहीं फाउंड होगा, क्योंकि मैंने ऐड तो असद किया हुआ लेकिन मैंने उसको डिलीट कर दिया, और अब मैं फाउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मेरी लिस्ट से चला गया, ठीक है। तो लिस्ट का हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक अगर इसके ये जो हम पूरी लिस्ट के अंदर फिरने का तरीका हमने ये किया हुआ था, ये लूप से, ये वाला ये लूप से हमने तरीका किया हुआ ना कि जीरो से चलाया और नेम्स और जितनी लिस्ट के अंदर नेम्स है उसका काउंट लिया, ठीक है। यूनिटी ने ना एक और लूप दिया हुआ, उसका ये फॉर लूप था, हमने फॉर डू वाइल और वाइल लूप पढ़ा हुआ, लेकिन यूनिटी ने एक और लूप दिया हुआ है, उसका नाम है फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच लूप करता क्या, फॉर ईच लूप सिंपली इसमें एक तो हमने लूप में चीज तीन पढ़ी थी ना, एक उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है, एक फिर उसकी कंडीशन लगानी पड़ती है, ठीक है, और फिर उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता था लूप चलाने के लिए, ठीक है ना। ये मैंने सही था लिखे नहीं, एक मिनट, एक क्या था, उसको इनिशियलाइज करना पड़ता था, ठीक है, या एस इक्वल्स टू जीरो, फिर उसको कंडीशन लगानी पड़ती थी, ठीक है, एस लेस देन जितना उसका साइज है या 15 या जितना उसका रे का साइज है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लागू करना पड़ता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना काम था इसमें लूप के अंदर, ठीक है। तो यूनिटी ने एक और लूप बनाया हुआ है फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच लूप में सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने उसको बताना होता है कौन किस अरे के अंदर फिरना है। जैसे मेरी लिस्ट है नेम्स की, मैंने इसके अंदर फिरना है, तो आपने सिंपल इसको बताना है सबसे पहला वाला जो वेरिएबल होगा ना आपका, वो स्टेटा टाइप का होगा। जैसे नेम्स है मेरा, अगर समझो यहाँ मेरी इंटीजर की एक अरे है, नेम्स की स्ट्रिंग की भी नेम्स है, तो सिंपली पहले मुझे एक स्ट्रिंग का वेरिएबल यहाँ देना पड़ेगा, मैं इसको दे देता हूँ वी, ठीक है, और आगे इन का एक वेरिएबल लगाना होगा, और यहाँ आपको अरे या किसी लिस्ट का नाम देना होगा। जैसे अगर मेरी लिस्ट का नाम नेम्स है तो मैं इसका ये बता दूंगा इसको कि ये मेरी इस अरे के अंदर इसने फिरना है, ठीक है। हाँ, मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताना होता है, एक स्ट्रिंग जो जिस डाटा टाइप की आपकी अरे होगी या लिस्ट होगी, पहले आपने उसको एक डिक्लेयर करना है किसी वेरिएबल के साथ, मैंने यहाँ वी के साथ कर दिया, और आगे इन के बाद जो आपकी अरे या लिस्ट होगी आपने वो बता देना है। इसका मतलब ये होगा ये लूप ऑटोमेटिक चलता रहेगा और वी के अंदर ना बारी बारी नेम्स उठा के ना लाता रहेगा, ठीक है। जैसे ये है मेरी नेम्स के अंदर, अगर असर ए पड़ा है, बी पड़ा है, सी पड़ा है, तो वी जब एक दफ़ा वी चलेगा इधर वी के अंदर ए पड़ा होगा, जब अगली दफ़ा ट्रांसफर्स करेगा बी पड़ा है, तब तीसरी दफ़ा करेगा सी पड़ेगा, सी इसमें पड़ा होगा, तो आपको कोई कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंपली अगर मैंने ये वाला लूप अगर मैंने फॉर ईच के साथ लगाना हो तो यहाँ मैं लिखूँगा फॉर ईच, ठीक है, यहाँ कोई भी आप वेरिएबल देते हैं। अच्छा, मेरी स्ट्रिंग की लिस्ट थी तो मैं स्ट्रिंग ही यहाँ दूंगा, अगर कल को आपकी इंटीजर की होगी तो आपने इंटीजर देना है, स्ट्रिंग वी, ठीक है, इन, और यहाँ आपने अब स्ट्रिंग की कोई अरे रखनी है या लिस्ट रखनी है तो मैं नेम्स रख लूँगा, ठीक है, और प्रिंट सिंपल क्या करूँगा वी को, ठीक है ना। तो एक दफ़ा वी यहाँ जवाद असद, और असद तो डिलीट हो गया होगा, उमर और अजमल ये सारे प्रिंट हो जाएंगे, तो इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, सेम वही प्रिंट हुआ उसी तरह, जवाद उमर और असद, ठीक है। तो आप फॉर ईच लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लूप इस लूप का ये फायदा है कि कितना छोटा लूप हो गया, इतना बड़ा हमें लूप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, उसको स्पेशल ये रे को गेट करना पड़ा इसके लिए, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिक जो भी रे का था वो वी के अंदर आता जा रहा है और वो उसके जरिए वो ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहिए गेम में, हर अरे का अपना फ़ायदा है, लिस्ट का अपना फ़ायदा है, वो अब आप में है कि आपने गेम में किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं मेरा कोई अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि मेरा कि मेरी गेम में ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें या इतनी स्पेसिफिक चीज़ें ही हो इस गेम इतने गेम के अंदर, बाकी और ना ऐड हो, तो आप वो उसके लिए अरे ठीक है, लेकिन आपको कहीं काउंट का नहीं पता, जिधर आप कहते हैं कि मैंने इनफाइनाइट एनिमीज़ देख के आने हैं और उनको रिमूव भी जल्दी कर लूँ आसानी से, तो उसके लिए लिस्ट अच्छी रहेगी। लिस्ट का ये एक फ़ायदा कि आप ऐड डिलीट और रिमूव करना और चेक करना कि मेरी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो कम कोड के जरिए आप एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि उसके फंक्शंस पहले ही बने हुए हैं, ऐड रिमूव, ठीक है ना, और कंटेंट्स तो चेक करने के लिए खुद बने हुए हैं, जबकि अरे में आपको लूप चलाना पड़ता है इन सबको चेक करने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप डिफरेंट डेटा टाइप के लिस्ट बना के देखें और उसको चला के देखें ताकि समझ आए सही तरह, और फिर इस पर थोड़ी गेम के अंदर थोड़ी प्रैक्टिस करके देखें ताकि फिर आपको पता चलेगा कहाँ मुझे ये अरे यूज़ करनी चाहिए और कहाँ मुझे लिस्ट यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू।